तो मॉर्निंग गाइस, और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड आज का जो व्लॉग है, आज हम घर पे ही शूट कर रहे हैं और अभी घर पे हैं। बस थोड़ा सा साफ सफाई देख रहे थे और क्या बोले, बाकी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। नो इशू। और अभी जस्ट मैंने देखा कि घर के बाहर साफ सफाई चल रही है, आपको दिखाता हूँ मैं क्या सफाई हो रहा है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से भैया लोग यहाँ पे टाइल क्लीन कर रहे हैं, और कुछ भी जो जमा हो, ग्रीस या कुछ भी ऑयल पेंट डस्ट हो, ये मशीन सब कुछ यहाँ पे वॉश कर देगी। सो इट्स रियली नाइस। जैसा कि आपने देखा कि घर के बाहर जो टाइल्स हैं और लिफ्ट का एरिया, जो लॉबी एरिया है, वो क्लीन कर रहे हैं। एंड ये होता है लाइक पीरियडिकली, और ये अच्छा भी है कराना। और गाइस, सुबह सुबह एकदम अच्छा व्यू घर के बालकनी से। प्लान कर रहे हैं कि एक चक्कर मार के आते हैं। अभी जस्ट मॉर्निंग ही हुई है, उससे पहले साफ सफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा जाली जम गई थी एसी के आसपास, तो वो भी साफ करना काफ़ी ज़रूरी था, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसको साफ करें। हल्की हल्की जाले आ गए हैं और साफ करना ज़रूरी है। वो दिख रही होंगी हल्की हल्की जाले, थोड़ा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और एसी के ऊपर भी हल्की हल्की जाले आ गई हैं, बस बाकी तो मैक्सिमम क्लीन ही है, हल्के फुल्के जाले तो चलती रहती है। ये देखिए, ये देखिए उड़ता हुआ जा रहा है। बस इस 2 मिनट का काम है, हो गई जाली साफ, टकाटक हो गया सर, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे भी हल्की हल्की सी हैं, उतना नहीं है, मतलब ठीक ही है। थोड़ा बहुत जाले तो आ ही जाती हैं, क्योंकि टॉप फ्लोर का घर है, 12th फ्लोर है, और उसके साथ में सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन भी, तो उसका ख्याल रखते हुए घर को थोड़ा सा दुरुस्त तंदुरुस्त रखना ज़रूरी है। सो बस गाइस, 10-15 मिनट की सफाई है, और थोड़ा सा फाइलें भी सेट करते हैं जाल के साथ साथ। चलो मैक्सिमम जाले तो निकाल दी। आसपास थोड़ी सी जवानी है, थोड़ी होगी अब सही होगी। तो बस गाइस, हो गया जाले साफ। जो 3-4 दिन से हेडेक बना हुआ था कि जाले साफ करने करने, फाइनली आज हो गया, जाले निकल गई, टाइम मिला तो कर दिया। और फाइनली अब आपको जाएगा, रूम हो गया नीट एंड क्लीन। ये निकला चंक फैन से, नॉट बैड। और साफ करते हैं अपनी बालकनी भी। प्लान किया है बालकनी साफ करने का भी, लेट्स स्टार्ट।
तो फाइनली हो गई बालकनी भी नीट एंड क्लीन और गमलों को भी पानी डाल दिया। और अभी हरीश है मेरे साथ आज, तो दोनों जाएंगे अभी वॉक के लिए। हरीश जी भी रेडी आज, हरीश जी की भी छुट्टी आज। और गाइज आज घर के बाहर चल रही है शूटिंग और अभी जस्ट मैंने पता किया सो राज बब्बर जी भी आने वाले हैं शूटिंग पे। सो लेट्स सी, जब वो आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज का टारगेट हमने रखा हुआ है 2 किलोमीटर का, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है। सो आज का टारगेट है 2 किलोमीटर्स और अभी 500 मीटर ही कवर हुआ है, सो 1.5 मोर। ये रहा हमारे सिटी का एंट्रेंस और ये 4 गेटों में से 1 गेट है। सो गाइज अभी यहाँ चल रही है शूटिंग और काफ़ी लोग जमा भी हो चुके हैं शूटिंग देखने के लिए और यहाँ शूटिंग काफ़ी टाइम चलती रहती है। तो गाइज यहाँ राज बब्बर जी स्पॉट हो गए और आप यहाँ जो देख रहे हैं राज बब्बर जी की शूटिंग चालू है और आप भी शूटिंग का लुत्फ़ उठाइए। गाइज पहले भी यहाँ पे काफ़ी शूटिंग हुई है, जैसे कि प्रोडक्ट्स की, काफ़ी जो फेमस प्रोडक्ट हैं गाड़ियों की, वेब सीरीज मूवीज़ की, मराठी मूवी लैंग्वेज जो बाई लैंग्वेज है लैंग्वेज मूवी, सो काफ़ी यहाँ जो शूटिंग है चलती रहती है। सो जब यहाँ शूटिंग चलती रहेगी मैं आपको ट्राई करूँगी, अगर मैं उस समय वहाँ अवेलेबल रहा तो आपको दिखाऊंगा। अभी जो शूटिंग चल रही है ये है एक वेब सीरीज़ की, मैंने पता किया, मुझे पहले लगा कि मूवी की होगी, तो मूवी की नहीं है ये जो शूटिंग है, ये है वेब सीरीज़ की। गाइस ये सब आप देख रहे हो, ये इनकी यहाँ पे वैनिटी वैन्स आई हुई हैं, जितने भी यहाँ पे स्टार कास्ट है उनकी सबकी वैनिटी वैन आप देख सकते हो लाइन से। गाइज अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में वहाँ पे और वहाँ पे देखेंगे, हरीश ने कुछ गाड़ियाँ देखी हैं, तो लेट्स सी कौन सी बेस्ट है वो वहाँ जाके देखेंगे। गाइज अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने गाड़ी के शोरूम में और यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन से यहाँ पे शोरूम है, महिंद्रा का, किया का, उसके बाद फिर TVS का है, हमको जाना है निसान वाले में और हम लोग अभी पहुंच गए हैं नेरुल। सो 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने शोरूम भी। गाइस अभी दिख गया हमको निसान का, तो अभी हम जाएंगे निसान के शोरूम में और पूछ के आते हैं। सो गाइस हम आज यहाँ दत्सन की रेडी गो के बारे में इंक्वायरी करने आए हैं। गाइस अभी हम गए थे गाड़ी देखने के लिए और टेस्ट ड्राइव तो हमने ली नहीं, बाकी स्पेसिफिकेशन देखने के बाद ना हरीश को पसंद आई और ना ही मेरे को पसंद आई। सो अभी वही छोटे सेगमेंट में अभी हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में, मतलब अगर मारुति इग्निस हो गया, रेनॉल्ट की क्विड हो गई और सेलेरियो, सो देखते हैं अगर उनमें से कोई पसंद आएगी तो फिर उसके शोरूम जाके आते हैं। सो ये शोरूम तो हम लोग 15 मिनट में ही बाहर आ गए, क्योंकि तो गाड़ी पसंद ही नहीं आई देखने के बाद, और कोई ऐसा कुछ हेट नहीं है, बस हम लोग को पसंद नहीं आई। सो हम आ गए मारुति सुजुकी के शोरूम में और यहाँ पे हम स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में पता करने वाले हैं, सो लेट्स गो। अभी जस्ट हम मारुति सुजुकी के शोरूम में जाके आए और हमने अभी देखा स्विफ्ट डिज़ायर और उसका टेस्ट ड्राइव नहीं सर तो इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पहले काफ़ी चलाई है स्विफ्ट डिज़ायर, फ्रेंड्स की हैं, स्विफ्ट डिज़ायर हो, स्विफ्ट हो, और खुद हम, हमारे पास मारुति की गाड़ी है। सो स्विफ्ट डिज़ायर वैसे हमको पसंद आई है, तो थोड़ा अभी घर में डिस्कस करेंगे और फिर फाइनल करेंगे और जो गाड़ी लेंगे फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे ज़रूर कि कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं हम लोग। सो
तब तक गाइज आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि हम कौन सी गाड़ी लेते हैं। फाइनली गाइज आ गए और जस्ट अभी लंच भी हो गया हमारा एंड शाम को हमें जाना है अपने अंकल के घर क्योंकि उनकी लड़की की है शादी और आज है वहाँ पे पार्टी। सो वहीं मिलते हैं डायरेक्ट आपको। सो फाइनली गाइज अब हम आ गए अंकल के घर पे और अब हम यहाँ करेंगे डिनर और ये हमारे अंकल मिस्टर खत्री जी। सो बस गाइज आप भी इंजॉय कीजिए अपना दिन एंड थैंक यू।